हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 28 जुलाई की मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी में क्या चाल रही थी, उसके बाद देखेंगे उसका रीजन क्या था, फिर सेंसेक्स आज मैंने ऐड किया हुआ है, फिर बैंक निफ्टी को समझेंगे, उसके पीछे का रीजन देखेंगे, FIIDI का डेटा समझेंगे, कॉल पुट कौन बाय सेल करके गया है वो देखना होगा, सेक्टर आउटकम देखेंगे, फिर हम देखेंगे इंडियन ADRs के बारे में और वर्ल्ड मार्केट को डिस्कस करेंगे, फिर US की न्यूज को समझेंगे, एशियन मार्केट का एनालिसिस देखेंगे, ऑयल और गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, आज कौन से रिजल्ट है, आज की इवेंट क्या क्या है वो समझने के बाद टेक्निकल एनालिसिस का खत्म करेंगे। उससे पहले मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कल का ही वीडियो है मेरा, थोड़ी सी क्लिप ही आप देख लो, भागा हुआ है FIIDI। देखो आज दोनों ही साथ में हो गए, हमारे पास जो DII बेचते हुए जा रहे थे आज उन्होंने भी बाय कर लिया, दोनों ही बाय में दिख रहे हैं, तो हमारे पास 1500 करोड़ जितना बाइंग है। लेकिन जब भी ऐसा हो दोनों बाय करके गए तो नेक्स्ट डे वो दोनों हो सकता है कि सेल कर दे, ये दोनों अपोजिट होने चाहिए, उसी के चलते मैं तो देखा आप लोगों ने, मैंने कल क्लियर कट बताया हुआ था कि अगर दोनों ने बाय किया हुआ है तो आपको यहां पे जाकर के बाय नहीं करना चाहिए, वो कभी भी डंप कर देंगे। आज के कल के सेशन में आपने वो एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उन्होंने क्या हालत करके रख दी थी। फाइन, चलो तो अभी आगे देख लेते हैं हमारे पास, और एक ये जो मैंने 5-1 दिन पहले का वीडियो बनाया हुआ था उसके बारे में भी समझो, जब बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल खड़ी हुई थी सब बोल रहे थे कि 20,000 ऐसे ही पार कर जाएगा, उस वीडियो के बारे में भी थोड़ी सी 2-3 सेकंड के क्लिप देख लो ताकि आपको समझ में आए कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं, देखो जंप 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 जंप, बैंक निफ्टी ने कभी भी मुड़ के नहीं देखा हुआ है, अब ऐसे ही वो पूरा 20,000 तक नहीं जाने वाला है, एक मेजर करेक्शन तो चाहिए, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो 12-1 बजे के बाद बिंदास शॉर्ट कर देना निफ्टी को। बैंक निफ्टी के केस में अगर मैंने देखो निकल रहा है, क्लियर कट बताया हुआ था आपको कि वहां पे डायरेक्टली आपको नहीं देखना होगा, वहां पे वो ऐसे ही आपको टच मत करना। जस्ट अ मिनट, तो मैंने दोनों ही वीडियो में क्लियर कट बताया हुआ है कि जब भी FII डायरेक्टली बाय कर रहे हैं या फिर सब बोल रहे हैं कि 20,000 चला जाएगा, मेजर करेक्शन के बिना वो जाने वाला नहीं। आप देखो यहाँ पे वो 20,000 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 600 पे आकर के खड़ा हुआ है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो निफ्टी खुला तो ऊपर था, सबको लगा कि नहीं अभी 20,000 क्रॉस करने ही वाला है, लेकिन सेल ऑफ आ गया, फिर साइडवाइज गया, 1-2 बजे के बाद फिर से सेल ऑफ, जाते जाते थोड़ी सी रिकवरी दिखाई हुई, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका मेन रीजन समझते हैं। देखो महिंद्रा और महिंद्रा का स्टॉक है वो 6.5% जितना गिरा हुआ है, क्यों भाई? उन्होंने RBL बैंक के अंदर स्टेक परचेस किया था, वो इन्वेस्टर को मजा नहीं आया तो पूरा डंप ही कर दिया, खोला गैप डाउन और फिर सेल ऑफ ही करते गए, ये एक रीजन था। दूसरा रीजन और समझो, अच्छा सेंसेक्स हमारे पास अभी देखो तो 66,266 पे आज उसकी एक्सपायरी है, इसलिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी मैं ऑप्शन चेन भी ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे मिल जाएगी तो उसको भी प्रॉपरली समझेंगे। इनफैक्ट ये निफ्टी का जो एनालिसिस था वही आपको एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे भी 3 बजे तक सेल ऑफ ही दिख रहा था, फिर आकर के DII ने बाई किया और थोड़ा सा ऊपर जाकर के छोड़ दिया, ये DII का बाइंग है, दूसरा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी देखो खुला ऊपर साइडवाइज गया, 11 बजे तक जो जितने भी रिटेलर्स थे उन सबको थका हरा के निकाल दिया, और देखो यहाँ पे ब्रेकआउट देने की ट्राई की, सबको लगा कि नहीं अभी ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा, ये पता नहीं कहाँ 500-600 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो सडनली सेल ऑफ आ गया 3 बजे तक। देखो यहाँ पे कहीं पे भी मौका ही नहीं मिल दिया, आप समझो ना क्रैश ही हो गया। जिन भी इन्वेस्टर्स ने या रिटेलर्स ने बाय किया होगा उनको मौका ही नहीं मिला बाहर निकलने का, सेल ऑफ करते गए, लास्ट में डेड कैट बाउंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन समझते हैं। देखो हमारे पास यूरोप के अंदर एक फर्म है, उन्होंने बताया कि हमारे पास जो अल्ट्रेशन रेट है इंडियन बैंक के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं, वहां पे कोई टिकता नहीं है, प्राइवेट बैंक के अंदर जो एम्प्लॉय है वो टिक नहीं रहे हैं, उसके चलते उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है और परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं आ रहा है बैंक का। तो यहाँ पे आप देखो सब बैंक का एनालिसिस दिया हुआ है, देखो गवर्नमेंट बैंक उतने नहीं गिरे जितने प्राइवेट बैंक गिरे हुए हैं, ये जो आपको पूरा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है ये सब का सब सेल ऑफ किसकी वजह से है, ये पूरा सेल ऑफ आपको प्राइवेट बैंक के चलते देखने को मिल रहा है। फाइन, FIIDI का डेटा देखो 4,000 करोड़ जितना बेच दिया, बुल को उल्टा पकड़ के मार रहे हैं यहाँ पे, है ना? कल मैंने बताया था कि ये जितना भी बाय करे आप जाना मत, FII कभी भी टर्न अराउंड होंगे और एक्सपायरी पे अगर टर्न अराउंड हो रहे हैं तो उससे बुरा हो क्या सकता है। ये तो अच्छा है DII ने आकर के 2,500 करोड़ जितना बाय किया, वरना तो ये कहीं पे जाकर के बेच देते। देखो यहाँ पे 15,000 करोड़ है ना,
ये एफआईआई चाहे तो यहां पे 25,000 करोड़ कभी भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई कमी नहीं है, तो थोड़ा संभल के खेला करो। यस, यहां पे कॉल और पुट किसने बाय किया हुआ सेल किया हुआ देख लेते हैं। आप सिर्फ कलर देखो, नंबर्स पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो। अगर पुट की बात करें तो हमारे पास रिटेलर से वो पूरा ग्रीनिश गया हुआ है, यहां पे भी ग्रीन गया हुआ है, मतलब रिटेलर्स को तो अभी यही लग रहा है कि नहीं अब तो पूरा ऊपर ही ऊपर जाएगा। जब नीचे जाने की बात आती है तब रिटेलर्स ऑलवेज उल्टी ओर बैठते हैं, जबकि एफआईआई देखो 2,24,000 जितना पुट, ये तीनों देखो हमारे पास अगर पुट की बात करें तो तीनों इंस्टीट्यूट है वो रेड में चल रहे हैं, जबकि हमारे बब्बर शेर हमारे रिटेलर्स वो ग्रीन लेकर के बैठे हुए हैं। एनीवे सेक्टोरियल आउटकम देखें तो फार्मा जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही थी सिप्ला की वजह से, वहां पे सिप्ला 10% ऊपर था तो यहाँ पे 3% फार्मा ऊपर चल रहा था, रियलिटी भी ऊपर था, लेकिन ओवरऑल मार्केट देखने जाए तो बियरिस था, बैंक बियरिस, ऑटो बियरिस, ऑयल बियरिस, तो 29 डाउन चल रहे थे, 21 निफ्टी में वो अपसाइड जा रहे थे। इंडियन एडीआर देखो यहाँ पे तो और बुरा हाल है, एचडीएफसी बैंक एडीआर का तो वहां पे 3.5-4% जितना डाउन दिखा रहा है, बाकी ऐसे-ऐसे बैंक भी 2% डाउन है, तो हो सकता है आज भी सेलिंग कंटिन्यू हो या फिर आज पोज ले ले, मंडे को सेलिंग स्टार्ट कर दे। चलो तो यूरोप मार्केट की बात करें, देखो वर्ल्ड वाइड तो पूरी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, फ्रांस आपको 2% ऊपर देखने को मिल रहा है, जर्मनी भी 2% जितना, यूरोप पूरा 2% पकड़ लो आप, एक हमारा ही मार्केट था वो आउट ऑफ द रेंज चल रहा था, डाउ फ्यूचर फ्लैट सा है। हाँ इंडेक्स की बात करें, यूएस में पूरा सेल ऑफ आया हुआ है, ये पहले तो ग्रीन था, ग्रीन के बाद सेल ऑफ आया, ग्रीन का रीजन देखते हैं। जीडीपी का जो फोरकास्ट आया था वो हमारे पास 1.8 जितना था, लेकिन एक्चुअल में कितना है 2.4 जितना यूएस का कल जीडीपी आया था। यूएस का दूसरा एक डेटा है ड्यूरेबल गुड्स को लेकर के, वो भी हमारे पास अच्छा आया हुआ है 4.7%, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इश्यू के चलते वहां पे सेल ऑफ देखने को मिला हुआ है, वो तो कवर कर लेंगे। तो एक ये डाउ की तो सॉरी पॉवेल की तो स्पीच थी अच्छी, और दूसरा ये हमारे पास दोनों ही मिलकर के अच्छा आना चाहिए था रिजल्ट। आज हो सकता है कि फ्यूचर आपको ग्रीन में देखने को मिले। फाइन एशियन मार्केट देखो सब खुल चुके हैं, डाउन डाउन डाउन, जापान सेल कर दिया हुआ है पूरा, हांगकांग सेल चल रहा है, यहाँ पे चाइना सेल है, कुछ ग्रीन नहीं है आपके पास। ताइवान तो अभी क्या ही करेंगे बात, कंट्री छोटा सा है, मुंबई खुलते ही देखो डाउन ही जाएगा। नेक्स्ट ऑयल की बात करें, यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला हुआ है हमको गिफ्ट निफ्टी, लेकिन गैप अप देखने को मिल रहा है, गैप अप में चेज करने मत जाना, हो सकता है 50-60 पॉइंट वो ऊपर लेकर के जाए फिर वहां से सेल ऑफ कर दे। रिजल्ट की बात करो देखो आईओसी का आने वाला है, एसबीआई कार्ड का आने वाला है, मेरिको का होगा आज हमारे पास, और M&M फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला है, ये कुछ रिजल्ट हमारे पास आज होंगे। अदानी की एक न्यूज निकल करके आ रही है, वहां पे दो बैंकों से उनको लोन और मिल गया है, क्या ही बात करें इनके लोन की। अभी अभी वो ऐसे बात कर रहे हैं कि उनका जो अंबुजा वाला अंबुजा सीमेंट का जो था वहां पे इन्वेस्टमेंट इनको मिला हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के रिजल्ट आए हुए थे वो अच्छे हैं हालांकि। चलो टेक्निकल समझ लेते हैं, ये देखो मैंने कल ही बताया था कि अगर ये 700 से नीचे जा रहा है तो बिंदास सेल करना, आपको आराम से 100 पॉइंट मिले होंगे। अगर यहीं ऊपर ने आपने कहीं पे लिया होगा ना तो पूरे दिन थका दिया होगा, लेकिन 700 टूटने के साथ अगर लिया होता तो ये 100 पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहे थे। सेम वे में बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कल तक हमारे पास क्या था, थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा था, लेकिन आज पूरा ही गेम चेंज कर दिया, ये सारे कैंडल को उसने एक में ही खत्म कर दिया। तो अगर ये 600 से नीचे जा रहा है तो ऐसा मत सोचना कि रिकवरी आएगी, बाय कर ले, सेल ही करना है बिंदास। चलो ओआई को देख लेते हैं, यहाँ पे कॉल पुट हर साइड राइट हुई है, लेकिन ज्यादा है वो कॉल राइट हुई है तो वो इंस्टीट्यूट ने किया होगा, ये देखने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ये एक्सपायरी की वजह से आपको बड़े बड़े बार यहाँ पे नीचे देखने वो प्रॉफिट बुकिंग होगी। बैंक निफ्टी सेम केस है हमारे पास, दोनों साइड हमारे पास जम के कॉल पुट राइट हुए हैं, ये भी मत ही देखो, ये ऐड करना मतलब नहीं आज। हाँ फिन निफ्टी समझते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास अलग होंगे, देखो कॉल राइट कॉल राइट कॉल राइट, जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, उसके सामने पुट राइटिंग का तो कुछ औकात ही नहीं है ऐसा समझो। तो यहाँ पे भी अभी भी मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं। चेंज इन वाई देखो, यहाँ पे पुट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, 20,500 का जो पुट है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है शायद, मैक्स पेन लेवल हमारे पास वही सेम है, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ट्रेडिंग आर्ट्स एंड साइट को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। सॉरी, थैंक यू सो मच।